हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग जानेंगे मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बेसिक जानकारी के बारे में, जो जेएसएससी जेई में पूछे जाते हैं। उनके बेसिक जनरल इंजीनियरिंग के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे जितने भी वीडियो आगे मिलती रहे सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले हम लोग इस चैनल पर मैकेनिकल इंजीनियर की वीडियो के हैंड रिटन नोट्स डालेंगे, आप विद एक्सप्लेन के साथ आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर में देख सकते हैं फ्लूइड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले है फ्लूइड। फ्लूइड का डेफिनेशन है द सब्सटेंस विच कैन फ्लो बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल शियर फोर्स आल्सो इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड फ्लूइड का एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, लिक्विड और गैस देख सकते हैं। लिक्विड और गैस क्या बोला, सब्सटेंस विच कैन फ्लो द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल शियर फोर्स, यानी कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें कुछ शियर फोर्स के कारण ही ये फ्लूइड फ्लो करता है, जिसको उसको फ्लूइड बोला जाता है। सेकंड नंबर में है फ्लूइड प्रॉपर्टी, देख सकते हैं फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या क्या है। जब फ्लूइड स्टैटिक में होगा तो उसका शियर फोर्स जीरो होगा, वही है द फोर स्टैटिक फ्लूइड शियर फोर्स इज जीरो। सेकेंड नंबर में है फ्लूइड ओनली शोस रेसिस्टेंस टू कंप्रेसिव लोड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर डेंसिटी है, डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसका यूनिट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट हो जाएगा, मास का हो जाएगा किलोग्राम और वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब, डायमेंशन हो जाएगा ML-3, ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं। और एक है डेंसिटी, देख सकते हैं प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी कम होगा। आप थोड़े इनके यूनिट और डायमेंशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट है, डायमेंशन है, मास है, मास का होता है किलोग्राम और डायमेंशन होता है उसका एम, यूनिट हो जाएगा लेंथ का मीटर, उसका डायमेंशन हो जाएगा एल, और टाइम का हो जाएगा देख सकते हैं सेकंड, और डायमेंशन हो जाएगा इसका टी। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, यूनिट देख सकते हैं, डायमेंशन का यूनिट है मीटर, मीटर का सिर्फ एल हो जाएगा उसका डायमेंशन। और इसके बाद है वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा मीटर, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, LT-1। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड, और ये टाइम का हो जाएगा सेकंड, तो मीटर है ऊपर में और सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा, इसलिए मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर LT-1, देख सकते हैं LT-1। एरिया है, एरिया का L×V है, L का लेंथ का हो जाएगा मीटर और विड्थ का हो जाएगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका L स्क्वायर हो जाएगा डायमेंशन। वॉल्यूम का LBH का M×M×M, मीटर क्यू हो जाएगा LQ। फोर्स, फोर्स का होता है MA का हो जाता है MA का M, kg×mass/s² kg×mass/s² को ही हम लोग न्यूटन बोलते हैं, ओके न्यूटन। इसका हो जाएगा डायमेंशन MLT-2 हो जाएगा। अब है वर्क, वर्क का हो जाएगा फोर्स×डिस्प्लेसमेंट, तो इसका फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा मीटर यूनिट, और न्यूटन मीटर को ही हम लोग बोलते हैं जूल। इसका डायमेंशन होगा न्यूटन का kg×mass/s² और मीटर का मीटर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डायमेंशन ML²T-2। अब प्रेशर है, देख सकते हैं प्रेशर को पी से लिखते हैं, प्रेशर को F/A, एफ का हो जाएगा फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, फिर न्यूटन का kg m² / s, और फिर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में एक मीटर कट गया तो एक मीटर बचा, फिर इसका डायमेंशन होगा ML-1T-2, ओके। फिर इसके बाद है पावर, पावर का हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन का होगा न्यूटन मीटर और सेकंड हो जाएगा, फिर इसी को हम लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर को लिख सकते हैं जूल पर सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं वाट, ओके। अब इसका थोड़ा डायमेंशन देख लेते हैं, डायमेंशन हो फिर इसको kg m² / s² को लिख सकते हैं, फिर इसको डायमेंशन हो जाएगा ML²T-3। फिर है मोमेंटम, मोमेंटम है, मोमेंटम का है m×v, kg m². फिर ML T-2 हो जाएगा इसका डायमेंशन। टॉर्क है, टॉर्क का होता है F×परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F का हो जाएगा न्यूटन और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, और फिर kg m² / m, इसका हो जाएगा डायमेंशन ML²T-2। देख सकते हैं डेंसिटी, अब डेंसिटी वाटर का देख सकते हैं
1000 kg per meter square होता है 84 डिग्री सेल्सियस में। फिर सेकंड है वही लिखते 84 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी का वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक वेट का। स्पेसिफिक वेट को ही हम लोग वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कभी कभी पूछ सकता है ऑप्शन में देखे स्पेसिफिक वेट का आल्सो नोन एज कुछ ऐसे करके, ठीक है ना। इसको भी स्पेसिफिक वेट को हम लोग ही बोलते हैं वेट डेंसिटी, ठीक है। अब स्पेसिफिक वेट को हम लोग छोटी डब्ल्यू से लिखते हैं। छोटी डब्ल्यू को लिख सकते हैं डब्ल्यू अपन वॉल्यूम। फिर डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं एम इंटू एम अपन वी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। फिर हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू डेंसिटी जी। यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर क्यू, और डायमेंशन हो जाएगा ML-2 T-2। अब इसको कैसे आया देख सकते हैं, इसका डायमेंशन के लिए हम लोग कैसे किए, डब्ल्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम, फिर इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर क्यू का न्यूटन का हो जाएगा देख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर क्यू। एक मीटर क्यू से कट जाएगा, क्यू था तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर केजी हो जाएगा यहाँ पर सेकंड हो गया मीटर का मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो एक क्यू था कटा तो मीटर स्क्वायर हो गया, ये मीटर स्क्वायर। उसी का डायमेंशन देख सकते हैं यहाँ पर ML-2 T-2 हो जाएगा इसका डायमेंशन। समझ में आ रहा होगा आई होप। फिर है तो वहाँ पर देख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी, ठीक है। और इसको दोनों को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं यहाँ पर, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे जेई के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे मेजर कर सकते हैं तो वो हाइड्रोमीटर, ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद लिख सकते हैं S इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, इसको लिख सकते हैं। और देख सकते हैं स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फ्लूइड दो टाइप का होता है, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो लिक्विड में हो जाएगा वाटर और गैस में हो जाएगा एयर, ठीक है। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है अगर आपको S दिया 0.8 और आपको डेंसिटी निकालना है तो S दिया 0.8 इज इक्वल टू ऑयल हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑयल, निकालना ऑयल का निकालना है तो ऑयल हो जाएगा अपन जानते हैं हम लोग 1000 होता है, इसीलिए डेंसिटी ऑफ ऑयल 8000 kg/m³ हो जाएगा। और एक यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर एक नोट से, एयर मास डेंसिटी होता है 1.2 kg/m³ 820 डिग्री सेल्सियस में, ध्यान रखेंगे ये। वहीं पर यहाँ पर वही लिखा हुआ देख सकते हैं, फोर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर एंड फोर गैस स्टैंडर्ड फ्लूइड इज एयर, वही जो मैंने पहले बताया लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड हो जाएगा वाटर और फोर गैस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड हो जाएगा एयर। यहीं पर देख सकते हैं 84 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एंड इट्स वैल्यू इज 1000 kg/m³, देख सकते हैं। आगे की वीडियो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्लूइड मैकेनिक्स का आगे भी जो टॉपिक है आपको वो कवर कराए जाएंगे, और सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी वीडियो हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे।